हेलो दोस्तों, ज़्यादातर लोग कोट और ब्लेजर के बीच का डिफरेंस नहीं जानते, इनके बीच कंफ्यूज होते हैं। इसी वजह से कुछ लोग कोट के बजाय ब्लेजर और ब्लेजर के बजाय कोट लेकर आते हैं। तो चलिए आज हम कोट और ब्लेजर के बीच का डिफरेंस जान लेते हैं। इसके साथ ही कोट क्या होता है, ब्लेजर क्या होता है, ऐसा सब कुछ आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाएं और ऑल पर क्लिक करें। सबसे पहले जानते हैं सूट कोट क्या होता है। सूट यह कपड़ों का सेट होता है जिसमें कोट और पैंट या जैकेट और पैंट शामिल है। सूट में इस्तेमाल किए जाने वाले जैकेट को ही कोट कहा जाता है। इसका इस्तेमाल शादी पार्टी, फॉर्मल पार्टी, मीटिंग और ऑफिस के टाइम में किया जाता है। ज्यादातर कोट डार्क कलर के होते हैं, जैसे डार्क ब्लू, ब्लैक आदि। अब जानते हैं ब्लेजर क्या होता है। दोस्तों, ब्लेजर भी कोट के समान ही होता है, लेकिन यह किसी भी सूट का हिस्सा नहीं होता। ब्लेजर को हम अलग से खरीद सकते हैं। ब्लेजर को हम फॉर्मल और इनफॉर्मल ऐसे दोनों तरीके से परिधान कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल शादी, पार्टी, डिफेंस यूनिफॉर्म और कॉलेज के यूनिफॉर्म के साथ साथ अलग अलग कार्यक्रमों में किया जाता है। तो चलिए जानते हैं कोट वर्सेस ब्लेजर। कोट यह सूट के ऊपर का जैकेट होता है और ब्लेजर भी ऊपर का जैकेट ही होता है, लेकिन यह किसी भी सूट का हिस्सा नहीं होता। इसे हम अलग से खरीद सकते हैं, लेकिन कोट हमेशा सूट के साथ ही आता है। कोट ब्लेजर के मुकाबले अधिक फॉर्मल होता है। कोट यह सूट का एक भाग होता है। इसे उसी कपड़े के मैचिंग पैंट के साथ परिधान किया जाता है, लेकिन ब्लेजर हम किसी भी पैंट के साथ परिधान कर सकते हैं, जैसे ट्राउजर, जीन्स आदि। चौथा अंतर है, ब्लेजर को हमेशा मेटल के बटन आते हैं, जैसे रॉयल ब्लू और गोल्डन कलर के, लेकिन कोट को बटन नहीं होते, और होते भी है तो मेटल के नहीं होते। ब्लेजर के शोल्डर पर पैड लगाया जाता है, लेकिन कोट के शोल्डर पर पैड नहीं होता। ब्लेजर हमेशा दो प्रकार में आते हैं, सिंगल ब्रेस्टेड यानी 2 बटन वाले ब्लेजर और डबल ब्रेस्टेड यानी 6 बटन वाले ब्लेजर। तो दोस्तों, कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।